कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक एक नंबर के आपके लिए है, आप उनको ध्यान से देखोगे। तो एक नंबर के प्रश्नों के अनुसार ये कुछ प्रश्न है आपके लिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से लेखा वाहियों में नहीं लिखा जाएगा। तो माल का विक्रय, वेतन का भुगतान, स्टाफ की गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो जो लेखा वाहियों में नहीं लिखा जाएगा वह है स्टाफ की गुणवत्ता, वो लेखा वाहियों में नहीं लिखी जाएगी। दूसरा है पुस्तक पालन व्यवसायिक व्यवहारों को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर शुद्धता पूर्वक लिखने का, इसके ऑप्शन है विज्ञान है, कला है, विज्ञान एवं कला दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक पालन व्यवसायिक व्यवहारों को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर शुद्धता पूर्वक लिखने का विज्ञान और कला दोनों है। निम्नलिखित में लेखांकन प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पादन, निम्नलिखित में लेखांकन प्रतिक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो इसका ऑप्शन है बच्चों, व्यवहारों का लिखना, वित्तीय विवरण तैयार करना, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण करना और वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या करना। तो इसका सही ऑप्शन है वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण करना। लेखों में व्यवहारों का लेखा किया जाता है, लेखों में व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो वित्तीय, प्राकृतिक, मानवीय में से कोई नहीं। तो जो लेखे का व्यवहार होता है वह किस पर आधारित होता है? वित्तीय पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन की शाखा है? तो वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। तो लेखांकन की शाखाएं उपयुक्त सभी है, क्योंकि वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन, ये सभी लेखांकन की क्या है? शाखाएं हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर है वित्तीय लेखांकन का आधार क्या है? वित्तीय लेखांकन का आधार क्या है? तो सभी व्यवसायिक लेखों पर वित्तीय आंकड़ों की व्याख्या पर प्रबंधन की कुशलता पूर्वक करने में सहायक और इनमें से कोई। तो जो वित्तीय लेखांकन का आधारभूत कार्य है वह है सभी व्यवसायिक व्यवहारों के लेखों करना। तब जो सभी व्यवसायिक के व्यवहार के जो लेखे होते हैं, वित्तीय लेखांकन का प्रमुख कार्य है। फिर है खातों में व्यवहारों की खतौनी या पोस्टिंग किससे की जाती है? तो खातों में जो व्यवहार खतौनी या पोस्टिंग होती है वह होती है जनरल जो बाही होती है उनसे होती है। तो इसके निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विवरण आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? संचालक मंडल, प्रबंधक, कर्मचारी या ऋणदाता। तो निम्नलिखित में से जो वित्तीय होता है वह होता है ऋणदाता, जो आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं। फिर है पुस्तक पालन का जन्मदाता कहा जाता है? जो पुस्तक पालन है उसके जन्मदाता कौन है? तो लुकास पेसिनियोनी, पॉटर, बॉटली बॉय या ओल्ड कैसल। तो लुकास पेसिनियोनी इसके क्या है? जन्मदाता है। फिर है व्यवहारिक परिणामों को जानने के लिए, जो व्यवहारिक परिणाम होते हैं उनके
जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करने का कार्य करना। तो जो जो व्यापारिक परिणाम होते हैं उनको जानने के लिए, लेखों का संग्रहण करने के लिए या वर्गीकृत करने के लिए सारांश तैयार करना होता है। व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना, सारांश तैयार करने का कार्य करता है पुस्तकालय, पुस्तपालन, लेखाकरण, जर्नल या इनमें से कोई भी। तो इसका सही ऑप्शन है लेखाकरण। पुस्तपालन ये प्रारंभिक इकाई है। रोजनामचा प्रवृत्ति, योग करना, शेष निकालना, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई होती है रोजनामचा। लेखांकन की भाषा है, लेखांकन की भाषा है व्यापार, मुद्रा, लेन देन, इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन की भाषा होती है मुद्रा। पुस्तपालन क्या है? कला, विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों है। पुस्तपालन व्यापारिक लेन देन को बाहियों के समूहों को लिखने की कला है, बाहियों के लिखने की कला है। किसने कहा है? आर एन पॉटर ने या जे आर गॉटलीबॉय ने, विलियम पिकल्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो जे आर गॉटलीबॉय ने ये गत रहे हैं। पुस्तकालय व्यापारिक लेन देन और वाणियों की लिखने की कला है। फिर है व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तक में लिखने की कला को कहते हैं। लेखाकरण, पुस्तपालन, खाता बही, इनमें से कोई नहीं। तो इसको पुस्तपालन कहते हैं। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन, माल या संपत्ति को कहते हैं। तब जो व्यापारी होता है उसके द्वारा किसी व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से जो धन, माल या संपत्ति लगाई जाती है उसे कहते हैं लाभ, पूंजी, स्थायी संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो लाभ कमाने के लिए जो किया जाता है वह होती है पूंजी। ऐसे व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल या सेवाओं का मूल नगद नहीं देता उसे व्यापार व्यापार का है। वह लेनदार, स्वामी, लेनदार, देनदार, इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति, फर्म, संस्था के माल और सेवाओं को मूल्य नगद नहीं देता क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेनदार, स्वामी, देनदार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है देनदार। फिर है अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो अंतिम रहतिया होती है उनका मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो भी काम हो। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतिम रहतिया का मूल्यांकन किया जाता है वह लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी काम हो उस पर किया जाता है। फिर है किसी अवधारणा के अनुसार, किसी अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की आय निर्धारण करते समय संबंधित वर्ष में आगम से संबंधित वर्ष में व्यय मिलान किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? मिलान अवधारणा, उपार्जन अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा या लागत अवधारणा, उसे कहते हैं मिलान अवधारणा। फिर है किस सिद्धांत के कारण एक्स लिमिटेड हास बनाने के लिए प्रतिवर्ष क्रमागत हास विधि को अपनाती है? तो किसी सिद्धांत के कारण कौन सा जो सिद्धांत है इसके कारण लिमिटेड हास लगाने के लिए प्रतिवर्ष क्रमागत हास विधि को अपनाती है? तो पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, रूढ़िवादिता का सिद्धांत,
लागू होता है। लेनदारों और बट्टों की व्यवस्था पर करने पर, संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था पर, खास पर या इनमें से कोई नहीं, तो सतर्कता सिद्धांत लागू होता है संदिग्ध ऋणों की व्यवस्था करने पर। लेखांकन अवधि समानता का समानता होती है, लेखांकन की अवधि होती है 6 माह के लिए होती है, 3 माह के लिए होती है, 1 वर्ष के लिए होती है, 1 माह के लिए होती है या 12 माह के लिए होती है। तो लेखांकन की जो अवधि होती है 1 वर्ष के लिए, वह कितने माह के लिए होती है? 12 माह के लिए होती है। कितने माह के लिए होती है? 12 माह के लिए होती है। फिर है दायित्व धन पूंजी का योग होता है, मतलब दायित्व और पूंजी का योग होता है। उसके ऑप्शन है संपत्ति, आय, अवरण या व्यय। तो दायित्व और पूंजी का योग होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। फिर देखेंगे बच्चों, भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारत में लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन कब हुआ? सन 1972 में, सन 1977 में, सन 1956 में या सन 1932 में? तो लेखांकन प्रमाण बोर्ड का गठन 1977 में हुआ। कब हुआ? 1977 में हुआ। लेखांकन हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचार को कहते हैं, लेखांकन हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचार को कहते हैं अवधारणा, वही खाता, प्रमाप या इनमें से कोई नहीं। तो ये लेखांकन हेतु व्यक्त किए गए तर्क संगत विचार होते हैं, वह होते हैं अवधारणा। फिर संपत्ति बराबर दायित्व धन पूंजी या यह किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? तो आगम की पहचान का सिद्धांत, दूसरा मिलान का सिद्धांत, तीसरा दोहरा लेखा प्रणाली और चौथा है पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो संपत्ति दायित्व पूंजी यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत पर क्या है? आधारित है। व्यापार उसके स्वामी से, तब जो व्यापार उसके स्वामी से पूर्ण रूप से पृथक है, यह किस मान्यता पर आधारित है? तब कोई जो व्यापार है स्वामी के पूर्ण रूप से पृथक है, तो लेखांकन स्वामित्व, लेखांकन अस्तित्व या चालू व्यवसाय की मान्यता या लेखांकन अवधि। तो जो लेखांकन स्वामी व्यापार उसके पूर्ण स्वामी पूर्ण रूप से पृथक है, वह है लेखांकन का अस्तित्व। तो किस मान्यता पर आधारित है? तो वह लेखांकन के अस्तित्व की मान्यता पर आधारित है। फिर है वित्तीय सौदों की माप की जाती है, वित्तीय सौदों की माप की जाती है लेखांकन अस्तित्व से, मौद्रिक माप से, चालू व्यवसाय से या लेखांकन अवधि से। जो वित्तीय सौदों की माप की जाती है वह मौद्रिक माप से की जाती है, मतलब जो वित्तीय सौदे होते हैं वह मुद्रा पर आधारित है, इसलिए मौद्रिक माप। चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यवसायिक इकाई का अस्तित्व में रहेगी। जो चालू व्यापार की धारणा है के अनुसार व्यवसायिक इकाई का अस्तित्व रहेगी, वह अनिश्चित काल तक स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से या निश्चित काल तक। तो चालू व्यापार की जो अवधारणा जो धारणा है वह कैसी होगी? अनिश्चित काल तक, लंबे समय कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे तो वह अनिश्चित होता है। विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीति, विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीति एक समान नहीं रहती। इसका कारण है नियमितता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रदर्शन की परंपरा या सस्ता की परंपरा। तो जो विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीति एक समान रहती है, आप इसको क्या कहते हैं? नियमित, मतलब सुपर नियमित, मतलब हमेशा सदैव। तो जो विभिन्न वर्षों में लेखांकन की नीति एक समान रहती है, इसका मुख्य कारण है नियमित की, नियमितता की क्या होती है? परंपरा। ये आपके एक नंबर के सात प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 11वीं क्लास लेखांकन लेखा शास्त्र में आपको ये आपको
याद करने हैं, लिखने हैं और आपको अच्छे से इनको कॉपी में लिखना है। धन्यवाद विद्यार्थियों।